कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। माननीय मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की ये पंक्तियां हैं। कविता का नाम है नर हो न निराश करो मन को। आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ी होगी, मैंने क्लास 7th में पढ़ी थी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में पार्ट 1 में पढ़ी थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर था, हिंदी लिटरेचर। मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, आज भी मैं पढ़ती हूँ। तो आपको ये मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप डीमोटिवेट ना हो वैकेंसीज को लेकर के, और आपका ध्यान जो है ना भटके। काफ़ी सारे लोग तो पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिर्फ वैकेंसीज का वेट करते करते। लेकिन जो चीज़ आपके बस में नहीं है, जो चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते आप उसको लेके, तो उसमें परेशान होने का क्या फ़ायदा। इतना ज़्यादा उपदेश मैं नहीं देने वाली हूँ, लंबा चौड़ा मैं थोड़ा सा ही आप लोग को मोटिवेट करने के लिए बताना चाहती हूँ। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो 3 सेक्शन को लेकर के है, हालांकि 1 सेक्शन और मैं उसमें घुसा दूंगी, घुसा आपके फायदे के लिए ही दूंगी। तो सबसे पहले जो मैं सेक्शन चूज कर रही हूँ वो आईपीसी का सेक्शन 54 है और 55 है, दो सेक्शन। जो सेक्शन 54 कहता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, यानी कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, और सेक्शन 55 कहता है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का डेथ सेंटेंस कौन करता है। तो सेक्शन 54, 55 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 54 कहता है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण जो है समुचित सरकार करती है। ठीक वही बात जो है सेक्शन 55 भी कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास होता है तो उसका लघुकरण भी समुचित सरकार ही करती है। समुचित सरकार की परिभाषा यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको ठीक इसके जस्ट एक बार सेक्शन में मिल जाएगी, सेक्शन 55A। तो समुचित सरकार मतलब होता है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार को समुचित सरकार में शामिल क्यों किया गया है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और नहीं पता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये भी कि आपको नहीं पता है, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी कि समुचित सरकार में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को क्यों रखा गया है। चलिए ये तो हमें पता हो गया कि सेक्शन 54, 55 क्या कहता है, लेकिन 54 में जब हम बात कर रहे हैं मृत्यु दंडादेश को लघुकरण करने की और आजीवन कारावास को लघुकरण करने की बात हम 55 में कर रहे हैं, तो लघुकरण हम कौन सी सजा में उसको बदलेंगे, किसमें हम उसको छोटा करेंगे, किसमें हम कन्वर्ट करेंगे या किसमें हम चेंज करेंगे। तो इसका जवाब आपको मिलता है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का सेक्शन 433 में। आप देखिएगा पलट के आपको किताबों में आपको ये सेक्शन, जब आप दोनों को तीनों सेक्शन को साथ में पढ़िएगा, मैं तो कहूंगी चारों को साथ में पढ़िएगा, जिसको मैंने बीच में घुसा दिया था 55A उसको भी, तो इसको एक साथ एक कॉपी में नोट कीजिएगा या अपने बुक में मार्क कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो सेक्शन 433 कहता है किन किन सजाओं का लघुकरण कौन कौन सी सजा में किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण की। तो वो कह रहा है कि मृत्यु दंडादेश का लघुकरण आप किसी भी सजा में कर सकते हैं। किसी भी सजा का मतलब है 20 साल की सजा होगी, 14 साल की होगी, 10 साल की होगी, 7 साल की होगी, ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है और टोटली डिपेंड है कोर्ट्स पे। इसके बाद वो कहता है कि जब भी आप आजीवन कारावास का कम्यूटेशन यानी लघुकरण करेंगे तो आप 14 साल के कारावास में उसको बदलेंगे, या फिर आप जुर्माने में भी उसको बदल सकते हैं, यानी फाइन भी लगा के आप उसको छोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा मोटा फाइन लगेगा, जब आपकी सजा इतनी बड़ी तो फाइन भी अच्छा खासा होगा, और फाइन मतलब ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला दे नहीं पाए। ये भी आप आईपीसी में पढ़ेंगे कि फाइन की चर्चा नहीं की गई है कि कितना होना चाहिए, लेकिन असीमित नहीं होगा। अब किस सेक्शन में की गई है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए कितने सारे सेक्शन आपस में साथ जुड़ जा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि जो कठोर कारावास है यानी रिजर्वस इम्प्रिजनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जब कठोर कारावास की सजा है उसको हम सादा कारावास यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे या फिर सिर्फ फाइन लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद लास्ट जो है वो कहता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट को किसमें बदलेंगे। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब जब सादा कारावास की सजा मिलती है तो आप सिर्फ फाइन लगा के, मतलब आप नहीं कोर्ट जो है न्यायालय, फाइन लगा के छोड़ सकता है। आप भी एक दिन
जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप भी न्यायाधीश बनेंगे ही। तो मेरा जो आज का समझाने का पर्पस था आपको वो कंप्लीट हो चुका है। मेरा जो उद्देश्य था, जो मैं आपको बताना चाहती थी, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बोर हो जाएंगे आप भी, और जब मैं खुद भी अपना वीडियो देखूंगी तो मैं भी बोर हो जाऊंगी कि हे भगवान ये मैंने कितना लंबा वीडियो बना दिया, बोरियत हो रही सुनने में। नहीं, वीडियो छोटा ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप डीमोटिवेट मत होइए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छा काम भी करते रहिए। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और कुछ अगर आपको आज के सेशन में पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो कृपया करके सब्सक्राइबर बन जाइए, प्लीज़ बन जाइए। नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और आज का वीडियो वाकई में आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और सेक्शन के साथ में, किसी और टॉपिक के साथ में। और हाँ, ये जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि लिंक करके, कोरिलेट करके ही पढ़िए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है।